प्रभातखबर.com विश्वास वही रफ्तार नई। बिहार में नई सरकार आने के बाद से राज्य में सीबीआई की एंट्री बंद करने की पृष्ठभूमि तैयार की जा रही है। कानून के तहत सीबीआई को किसी मामले में छापेमारी या कार्रवाई करने के लिए राज्य सरकार से पहले अनुमति लेनी होती है। हालांकि राज्यों द्वारा आमतौर पर सीबीआई को सामान्य अनुमति मिली रहती है, ऐसा नहीं होने पर सीबीआई को अनुमति लेनी जरूरी है। बिहार में सीबीआई की एंट्री बंद करने को लेकर भाजपा के कई नेताओं ने सवाल खड़ा करते हुए कहा कि सरकार राजद के भ्रष्ट नेताओं को बचाने की कोशिश कर रही है। वहीं महागठबंधन के नेताओं का कहना है कि केंद्र सरकार बदले की भावना से सीबीआई का इस्तेमाल कर रही है। सीबीआई का संचालन दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट 1946 के तहत होता है। सीबीआई किसी भी मामले की जांच तब करती है जब हाईकोर्ट, सुप्रीम कोर्ट या केंद्र सरकार से उसे आदेश मिलता है। अगर मामला किसी राज्य का हो तो सीबीआई को अपनी कार्रवाई या फिर जांच आरंभ करने के लिए अनिवार्य रूप से सरकार की अनुमति लेनी होती है। वहीं अगर सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जांच का आदेश देता है तो सीबीआई को राज्य सरकार की अनुमति की जरूरत नहीं है। वहीं देश के अन्य केंद्रीय एजेंसी की बात करें, जैसे कि एनआईए या फिर ईडी, इन्हें जांच करने के लिए राज्य सरकार की अनुमति लेने की जरूरत नहीं पड़ती। यह देश के किसी भी राज्य में जाकर कभी भी जांच कर सकती हैं। हाल के कुछ वर्षों में देश के कई राज्यों ने सीबीआई की एंट्री बैन कर दी है। इनमें पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, राजस्थान, पंजाब, महाराष्ट्र, केरल, झारखंड और मेघालय जैसे राज्य शामिल हैं। इन राज्यों में सीबीआई को जांच करने के लिए पहले राज्य की सरकार की अनुमति लेनी पड़ती है। प्रभातखबर.com विश्वास वही रफ्तार नई।